तो कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है व्हे प्रोटीन के बारे में। आज हम जानेंगे व्हे प्रोटीन क्या है, हमें व्हे प्रोटीन क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ व्हे प्रोटीन के बारे में, कौन सा टाइप व्हे प्रोटीन हमको लेना चाहिए। वीडियो के एंड में व्हे प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. आपका गोल चाहे वेट गेन या वेट लॉस हो या मसल बिल्डिंग कुछ भी हो, आप व्हे प्रोटीन यूज कर सकते हो। ये जैसे आपका बॉडी का फैट कम करने में हेल्प करेगा, वैसे ही मसल बिल्डिंग या वेट गेन करने में भी मदद करेगा। व्हे प्रोटीन क्या है? व्हे प्रोटीन इज ए कंप्लीट प्रोटीन नेचुरली फाउंड इन मिल्क। इनमें सभी 21 टाइप्स एमिनो एसिड मौजूद है जिनको हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और ये BCAA यानी बैंड चेन एमिनो एसिड का भी गुड सोर्स है। व्हे प्रोटीन हमें पनीर बनाने के प्रोसेस से मिलता है। मिल्क में विशेष एंजाइम मिलाने पर प्रोसेस शुरू होता है। एंजाइम मिल्क को दही और लिक्विड व्हे में कन्वर्ट कर देता है। कर्ड से पनीर और लिक्विड व्हे को फिल्टरेशन के बाद ड्राई हुए पाउडर फॉर्म में बनता है। लिक्विड हुए को फिल्टराइजेशन के बाद ड्राई हुए मिलता है, जिससे ये प्रोटीन पाउडर बनता है। हमें व्हे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए? आप सभी को पता है हमारे बॉडी प्रोटीन सोर्स से बनता है। हमारे नेल्स, हेयर, बोन्स, ऑर्गेन, नर्व्स, लिगामेंट और मसल्स, ये सभी प्रोटीन से बनता है। हमारे डेली लाइफ में टिश्यू रिपेयर करने में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है, इसलिए पर डे आपको नियमित मात्रा से प्रोटीन लेना चाहिए। अपने बॉडी को हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लाई करना चाहिए। हाई क्वालिटी प्रोटीन के मतलब चिकन लेग्स, बेकन, प्रोसेस मीट नहीं है, ये सब सैचुरेट फैट के भंडार है। जंक फूड आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। आप गुड प्रोटीन सोर्स मतलब स्किनलेस चिकन, एग वाइट, व्हे प्रोटीन आपके प्रोटीन कंजप्शन के लिए अच्छा है। बात करता हूँ व्हे प्रोटीन के बारे में। व्हे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू फिश, रॉ मिल्क, बीन्स, इन सभी से अधिक है। मतलब 100 ग्राम व्हे प्रोटीन में आपको 70 से 90 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है, वही दूसरे फूड में जो 10 से 30 ग्राम तक ही सीमित है। व्हे में BCAA मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं, जो आपकी स्किन, मसल्स, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू को ठीक करने में हेल्प करता है। ये अदर प्रोटीन के मुकाबले में जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो जाता है। ये मिल्क से बनता है मतलब ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये मिल्क से बनता है मतलब वेजिटेरियन वाले इसे बिना डाउट के यूज़ कर सकते हैं। व्हे प्रोटीन के हेल्थ बेनिफिट्स, साइंस भी ये बातों को मानता है कि व्हे प्रोटीन आपके हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद करता है। आप हाई प्रोटीन डाइट से वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं और वर्कआउट के बाद इसे यूज़ करेंगे तो आपकी वेट मसल के रूप में बढ़ेंगे, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, और आप मसल गेन एंड वेट लॉस कर सकेंगे। रेगुलर वर्कआउट के बाद आप व्हे लेते हो तो आपकी मसल रिपेयरिंग प्रोसेस दोगुना बढ़ जाएगा, और आप इससे लीन मसल मास बना सकते हो। व्हे प्रोटीन आपके इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सो आपको छोटा मोटा बुखार और कमजोरी से भी काफ़ी दूर रखता है। व्हे आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम एंड D3 मौजूद है। 100 ग्राम व्हे प्रोटीन में आपको 800 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएंगे। रिसर्च से पता चला है व्हे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छा रखने में भी मदद करता है। साथ ही व्हे प्रोटीन टाइप 2 डायबिटीज में भी मददगार साबित हुए। दोस्तों, व्हे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, तो आप इसे सप्लीमेंट की तरह ही यूज़ करिए। अगर आप दिन में 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन आपको नेचुरल फूड से लेना पड़ेगा, और 20 ग्राम प्रोटीन आप व्हे से ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप डाइट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ व्हे से आपको बॉडी नहीं बनेगी, आपकी मेहनत और सही डाइट से बॉडी बनता है। बॉडी तो आप व्हे के बिना भी बना सकते हो। व्हे प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं। व्हे कॉन्सेंट्रेट, जिनमें आपको 80 ग्राम प्रोटीन मिलता है और ये काफ़ी सस्ता है। दूसरा है व्हे आइसोलेट। व्हे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को और फिल्टर करके ये व्हे आइसोलेट मिलता है।
इनमें आप 90 से 95% तक प्रोटीन मिल सकता है। तीसरा है हाइड्रोलाइज्ड होए। क्या आप जानते ही हो कि होए के अंदर 21 अमीनो एसिड्स है और वो सभी अमीनो एसिड्स को तोड़ दिया जाता है और उनमें पेप्टाइड मिला दिया जाता है, मतलब डाइजेशन बहुत जल्द होता है। मतलब लगभग 10 से 15 मिनट में आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये काफ़ी महंगे भी है। आपको मार्केट में काफ़ी तरह के ब्लेंड प्रोटीन मिल सकता है। होए कॉन्सेंट्रेट एंड होए आइसोलेट को मिलाकर ये होए ब्लेंड प्रोटीन बनाया जाता है। होए का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मगर ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी में इफेक्ट हो सकता है और पहली बार होए लेने पर आपको लूज मोशन हो सकता है, तो पहले अपने डाइजेशन को ठीक करें फिर इसे यूज़ करें। दोस्तों, ऐसा कोई फैट बर्नर या प्रोटीन पाउडर अभी तक नहीं बना जिससे आपके बॉडी एक या दो महीने में बन सकता है। अगर होता तो कोई भी बंदा 10-20 या 50 हज़ार खर्च करके सिक्स पैक ऐप बनाकर शर्टलेस होकर घूमता, ये बनता है मेहनत से, पैशन से, डिसिप्लिन से। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि होए प्रोटीन कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये मिल्क बाई प्रोडक्ट है, तो आप बेझिझक इसे यूज़ कर सकते हो। मगर ध्यान रखिए कि नकली सप्लीमेंट यूज़ मत कीजिए, किसी ट्रस्टेबल शॉप या ऑनलाइन बाई कीजिए। और एक बात दोस्तों, जिम के सो कॉल्ड ट्रेनर से आप सप्लीमेंट्स मत लीजिए, उससे सिर्फ आप ज्ञान लीजिए, आपको कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए वो जानिए, फिर आप किसी ट्रस्टेबल शॉप से इसे खरीदिए या ऑनलाइन शॉप से आप इसे बाई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।